हेलो दोस्तों, मैं वो वीडियो बना रहा था उस पर जो फार्म के बारे में डिटेल है पूरी, तो मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ अपना। ये फार्म देखिए, बाहर का पोर्शन हो गया मेरे फार्म का, देखिए इस तरीके से। देख रहे होंगे आप लोग, ये फार्म हमारा बना हुआ। कच्चे फार्म की हालत जो है बहुत खस्ता होती है, खस्ता हालत होती है, देख रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से है ये। और प्लस पॉइंट हमारे फार्म का ये है कि ये बाग के अंदर है, बाग बाग में है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बढ़िया है इस तरीके से, ठीक है भैया। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप फार्म खोलने जा रहे हैं तो ट्राई करिए कि आपका फार्म पक्का हो। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए लगवा दिया है यहाँ पर क्योंकि ये जो है यहाँ से हवा का झोंका आता है, तो इसलिए बंद करना पड़ गया। बाकी अभी भी देखिए हवा का जोर इतना ज़्यादा है क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा है, इसमें दिक्कतें बहुत हैं। कच्चे फार्म में फार्मर हमेशा परेशान रहता है, हमेशा। मुझे नहीं लगता कोई मौसम ऐसा होगा कि जो हमारा जो फार्मर है वो सुकून से हो क्योंकि कच्चे फार्म में कभी आंधी आती है, कभी बारिश हो गई तो जगह जगह टपकने लगता है, ठीक है। और आंधी आ गई तो भैया हवा के झोंके से बचाओ बच्चों को, ठीक है। उसके बाद जो है अगर डाली टूट के गिर गई तो फार्म ही तहस नहस हो जाता है। सर्दियों में मुसीबत, हवा के झोंके इधर से आ रहे हैं, कभी इधर फट गया तिरपाल, तो सर्दी गर्मी बरसात सब में कच्चे फार्मों के लिए बहुत परेशानी। ये देखिए अब ये वाला फार्म देखिए हमारा, इसकी हालत क्या हो गई बेचारे की। ये जो फार्म था हमारा 5000 चिक्स पड़ते थे भाइयों, और मैं क्या बताऊँ, इस बार ये एक फार्म को कर रहा हूँ इसको तो काफ़ी नुकसान हो गया हमारा क्योंकि मेहनत और सब कुछ उतना ही लग जाता है। और अब देखिए ये वाला फार्म जो है पूरा तिरपाल ही इसका अलग हो हट गया, पूरा वहाँ से फट गया पूरा, देखिए बीच से दूर दूर देखेंगे पेड़ के पास, वहाँ पे फट गया है। तो ये दो फार्म मेरे हो गए, ठीक है। इसको मैं रनिंग में कर रखा था, ठीक है भाइयों, इस तरीके से ये था। ये भूसी मैंने इकट्ठा मंगाई हुई थी। तो एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा अभी आपको, ठीक है, जस्ट मिनट। एक चीज़ और है देखिए यहाँ पे, अब अगर देखेंगे ये दूसरा वाला फार्म है मेरा, इसमें एक माइनस पॉइंट भी था, इसमें फूस पड़ा ही नहीं था, देखेंगे आप। इसमें जो है फूस नहीं पड़ा था, केवल ऐसे टेम्परेरी किया हुआ था, वही देखिए तिरपाल केवल लगा हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के टेम्परेरी ही था समझ लीजिए, इस पर जब फूस ही नहीं लगा हुआ था तो आंधी तेज झोंकाया तो तिरपाल ये फट गया, तो इसलिए ये बेकार हो गया। और मैं दिखाऊँ ये पूरा फार्म जो है कच्चा फार्म था, देखेंगे अगर आप पूरा लोकेशन देखिए, आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा कैंपस है ये एक तरीके से। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये दूसरा फार्म था, ठीक है दोस्तों। और ये उसके लिए बना हुआ है कि यहाँ पे जैसे सामान रखना है कुछ, और किसी एम्प्लॉय को रहना है, बोरियाँ रखनी है, उसके लिए बना था। लेकिन ये आज से 2.5 साल पहले बना था, तो इसको बनाने जिन्होंने बनाया था, मैंने तो रेंट पे लिया, जिन्होंने बनाया था वो थोड़ा गलत कर दिया क्योंकि उन्होंने बैक साइड में बना दिया इसको, जबकि इनको जो रोड के पास है फ्रंट में बनाना चाहिए ताकि कोई आ रहा है जा रहा है तो वहाँ से हमको दिख सके, ठीक है भाइयों। और ये दूसरा फार्म देखिए, ये तीसरा फार्म है, इसमें क्या है भाइयों, इसको शुरू तो किया था इन्होंने, जिन्होंने फार्म बनाया था पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, देखिए बड़ा, ये सबसे लंबा फार्म है और ये काफ़ी स्ट्रांग है इसका, देखिएंगे अगर आप, काफ़ी स्ट्रांग है इसका स्ट्रक्चर। और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये पूरी बगिया है, और आपको लास्ट में एक फार्म और दिखेगा, वो देखिए दिख रहा होगा आपको, एक फार्म और है वहाँ पे। तो ये तीसरा फार्म हो गया, वो चौथा फार्म हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इस फार्म में अभी अगर मैं इसको मेंटेन करता हूँ तो मेंटेन ये हो जाएगा, ठीक है। इससे मेरी बात भी हो गई ऑनर से, मैं इस पर फूस वगैरह डाल के इसको कंप्लीट तैयार करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही ये टाइम है, अभी ये टाइम जो चल रहा है आंधियों का टाइम चल रहा है, अगर मैं अभी ठीक कराऊंगा फूस डलवाता हूँ इस पर तो कोई भी झोंका आएगा उड़ा ले जाएगा। तो मेरा प्लान ये है थोड़े आंधियाँ रुक जाएँ और उसके बाद मैं इसका प्लान करूँगा। और हमारा पांचवा फार्म अगर आप देखेंगे भाइयों तो उसकी हालत क्या हो गई है, देखिए ये तो है पाँचवा फार्म, सबसे पीछे और सबसे लंबा फार्म है ये, इसमें बच्चे भी पड़े थे पहले, देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक है ये हमारे पहले फार्म से लेके यहाँ तक, देखिए सबसे लंबा फार्म यही है। बट इस पर क्या हुआ, एक डाल गिरी, एक डाल ने गिरते ही इसका काम तमाम कर दिया, देखिए यहाँ पे एक डाल गिरी थी, उसके बाद ये लकड़ी उकड़ी टूट गई, लोग धीरे धीरे उठा उठा के ले गए, सब ये ख़त्म हो गया पूरा फार्म। अगर आप देखेंगे कैंपस ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा, देखिए वो दूर तक गया हुआ है, ये हमारा फार्म आ गया। तो देख रहे हैं भाइयों इस तरीके से ये है, कैंपस बहुत बड़ा है बट क्या है मेंटेन नहीं हो पाया ये पूरा भी, ठीक है दोस्तों। तो अभी मेरा प्लान ये है कि अब थोड़ा ये मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है, ये यहाँ से तिरपाल हमारा उड़ गया था, देखिए
प्रॉपर। सबसे पहले यहीं पे फटा था और बाकी फिर हमने उसको केयर नहीं कर पाए तो वहाँ पर का भी थोड़ा सा उड़ गया। इस तरीके से अब इसको फूस डलाएंगे या तो इसको ड्रॉप कर देंगे, ये बहुत कमज़ोर हो चुका है ये वाला। और तीसरा वाला जो फार्म है उस पर कुछ बनाएंगे। तो आपने देखा पूरा फार्म है। मैं यहाँ पे ये दिखाने का मकसद क्या है, मुझे मेन मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि मेरे फार्म के आसपास क्या, मेरा मेन मकसद ये दिखाने का कि भाइयों जो कच्चा फार्म बनता है उसकी कंडीशन ये हो जाती है। आज से 2 साल पहले, मानिए 1.5 से 2 साल पहले, जो यहाँ के ऑनर हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं यहाँ पर, उन्होंने 7-7 लाख रुपये लगा के ये पूरा कैंपस तैयार करवाया था, ठीक है दोस्तों। और 7 लाख रुपए लगा के उन्होंने सारा मटेरियल बनाया, सब कुछ लगाया, पैसा लगाया। और उनके साथ एक पार्टनर थे, जैसे जिनको नॉलेज थी, उनको क्या पता, जो ऑनर थे यहाँ के उनको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक उन्होंने पार्टनर बनाया जिसको मुर्गी फार्म की जानकारी थी। उन्होंने ये अपने तरीके से पूरा फार्म तैयार करवाया और इसको पूरा मेंटेन करवाया। लेकिन वो जो है, इसको एक लाट निकाला, पहली लाट में ही उनको नुकसान हो गया, बच्चों की मोर्टलिटी हो गई, कुछ दिक्कतें रहीं, काफ़ी दिक्कतें रहीं, तो वो मेंटेन नहीं कर पाए उसको। तो इस वजह से लॉस भी हुआ उनका। तो लॉस तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने बच्चा नहीं डाल सके क्योंकि पार्टनरशिप चल नहीं सकी, और पार्टनरशिप चली नहीं तो फिर नुकसान हो गया, काफ़ी सारा उनका नुकसान हो गया। तो उसमें क्या 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ उनका, और आगे से कोई इनकम जनरेट नहीं हो पाई, और सारा पैसा लगा के वो जो पार्टनर थे वो तो अपने रास्ते हो लिए, वो चले गए, ठीक है, इनको छोड़ के चले गए। क्योंकि आपस में जब वो हो गई तो फिर मामला बना नहीं है, और फिर इनका फार्म ऐसे ही पड़ा रहा, तो पूरा डंप हो गया, ये पूरा एरिया ही डंप हो गया। तो कंडीशन इसकी भी बहुत ख़राब थी, इसको मैंने संभलवाया इस वाले फार्म को। उसके बाद सेकंड ये वाला फार्म मैंने संभलवाया था, इसमें 2 बार मैंने 2 लाट निकाली भी हैं, लेकिन ये कि फूस नहीं डला पाया। क्यों फूस इसलिए नहीं डला, बहुत स्ट्रक्चर इसका कमज़ोर है, उसके ऊपर टेम्परेरी चला रहे थे। अब मेरा प्लान ये, इसको छोड़ दूंगा और तीसरा वाला फार्म करूंगा। तो कुल कहने का मतलब है मेरे भाइयों, अगर आप नया फार्म बनाए जा रहे हैं, फार्म बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास थोड़े पैसे कम है तो आप कोशिश करिए पक्का फार्म बनाइए। अगर यहाँ पे 7 लाख रुपए लगाए उन्होंने तो, और अगर उसकी बजाय ये 2 या 1 फार्म ही पक्का बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पक्का फार्म एक ही बना लेते हैं या 2 फार्म बना लेते, तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं आती, और फार्म कंटिन्यू 15-20 साल के लिए फिक्स हो जाता, 15-20 साल के लिए आपका इसकी लाइफ रहती है जो पक्के फार्म होते हैं। और इन कच्चे फार्मों की 2-3 साल लाइफ रहती है इनके, क्योंकि इनके जो बांस होते हैं बम्बू, ये सब बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। देखिए ये पूरा बांस आप देखेंगे तिरछा है, ये नीचे से देखेंगे सीधा नहीं है सारा, यहाँ अंदर मैं अंदर से क्या दिखाऊँ आपको, ये पूरा फट चुका है अंदर गोल वाला बांस। इस तरीके से मेरा सजेशन है भाइयों, अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो थोड़ा सा और इकट्ठा कर लीजिए, और अपनी ज़मीन पे अपना फार्म पक्का बनाइए। अगर प्लान कर रहे हैं, अगर बड़े स्तर पे प्लान कर रहे हैं तो पक्का फार्म ही बनाइए, छोटा फार्म मत बनाइए भाइयों, ठीक है। ओके, बस इतना काफ़ी है फिलहाल आज के लिए भाइयों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।